नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स बाज चैनल के इस नए वीडियो में। और आज दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं आपके सामने राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के साइड से ये प्रकोष्ठ के कैदी और पप्पू डोगा का नया सेट। एज ऑलवेज ये सेट हमें राम कॉमिक्स गाजियाबाद की तरफ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं इन दोनों कॉमिक्सों के साथ हमें क्या क्या नॉवल्टीज़ मिल रही हैं, कैसी है इन कॉमिक्सों की क्वालिटी, एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट से। तो इस सेट में दोस्तों दो कॉमिक्स हैं हमें देखने के लिए मिलती हैं। प्रकोष्ठ के कैदी, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कॉमिक्स सर्वनायक विस्तार सीरीज़ की, जो अब हम लोगों के सामने आ चुकी है। ग्लॉसी लुक में ये काफ़ी बढ़िया कवर है, इसमें आपको फेसलेस देखने के लिए मिल रहा है। ध्रुव देख सकते हैं आप, नागराज है, धनंजय है, राज कॉमिक्स है, मनोज गुप्ता की साइड से कॉमिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। महामानव और चंडकाल भी हमको यहाँ पीछे देखने के लिए मिल रहे हैं। 280 रुपये मूल्य की ये कॉमिक्स है दोस्तों, जिसको आप अपने पसंदीदा सेलर्स से परचेज कर सकते हैं। और सर्वनायक विस्तार श्रृंखला में ये नया एडिशन हम सबके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस सेट के कॉमिक्स में हमें सर्वग्रहण, प्रकोष्ठ की कैदी और पप्पू डोगा देखने को मिलेगी। सर्वग्रहण अभी इस सेट में हमें नहीं मिली है, तो जल्द ही उसका भी इंतज़ार रहेगा। बट जैसा कि आप देख सकते हैं आगामी सेट के लिए भी अनाउंस कर दिया गया है, सर्वयुद्ध, शंखनाद और भूल गया राजा, ये तीन कॉमिक्स हैं जो आपको अगले सेट में देखने के लिए मिलेंगी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की साइड से। और यहाँ पे कॉमिक्स की शुरुआत का एक फर्स्ट पेज है सर्वनायक विस्तार। यहाँ पे एक और नागराज की काफ़ी बेहतरीन आर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी के साथ आपका बिना किसी ऐड वगैरह के आपकी कॉमिक्स यहाँ पर शुरू हो जाती है। सच इसके साथ कोई नॉवल्टी आइटम तो नहीं देखने के लिए मिला है, ना ही कोई पोस्ट कार्ड है, ना ही कोई और एक्सेसरी है। तो यही है दोस्तों प्रकोष्ठ के कैदी की क्वालिटी। स्पाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल साइज़ में हमको ये कॉमिक्स देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आर्टवर्क है, काफ़ी डिटेल्ड आर्टवर्क हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। कवर पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है ये आर्ट। और पेज नंबर यहाँ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता वाले कॉमिक्स में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं अभी भी। और ओवरऑल जो पेजेस की क्वालिटी है ग्लॉसी ही है, और दोनों ही साइड से ग्लॉसी है, सुपीरियर क्वालिटी का पेपर है, कोई बॉर्डर नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको, ना ही वाइट ना ही ब्लैक, स्टैंडर्ड साइज़ की ये कॉमिक्स है राज कॉमिक्स वाले साइज़ की। जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं इस सेट की दूसरी कॉमिक्स जो कि है पप्पू डोगा। पप्पू डोगा ये सरप्राइजिंग एंट्री थी जो अभी कॉमिक्स की सुनामी रीसेंट टाइम्स में आई है नई कॉमिक्स की, ये अचानक से उसमें एक सरप्राइजिंग एंट्री है और ज़्यादा लोग इसको एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। बट हाँ ये भी अब हमारे सामने आ चुकी है दोस्तों। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये डोगा का एक आर्ट वर्क है। मैं अपनी मर्ज़ी से आत्महत्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिखा है, पेपरबैक में ही है ये कॉमिक्स भी दोस्तों। और पीछे की तरफ आप देखें तो इसमें सर्पयुग का ऐड आप देख सकते हैं। सर्पयुग के अलावा यहाँ पे प्रेम ग्रंथ अभी भी ऐड आ रहे हैं प्रेम ग्रंथ के, तो काफ़ी इंतज़ार है इस श्रृंखला का भी दोस्तों हम सभी को। कुत्तापंती का ऐड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारे पास पिछले सेट में आ चुकी है। नागराज विषहर्ता, आतंकहर्ता नागराज की ये विषहर्ता जो कि क्षतिपूर्ति श्रृंखला का चौथा भाग रहेगा, तो ये भी हमें यहाँ पे एक ऐड में दिख रही है।
बोदी वाला थानेदार का ऐड है, ये कॉमिक्स भी हमारे पास आ चुकी है काफ़ी समय पहले। और इसी के साथ प्रकोष्ठ के कैदी फ्रेंडी फ्रेंडी जीनियस का ऐड यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो यानी कि फ्रेंडी सीरीज़ इज़ गोइंग टू मेक अ कमबैक। मैं मेरी पसंदीदा सीरीज़ में तो थी ये थ्रिल हॉरर सस्पेंस वाली फ्रेंडी की कॉमिक्स हैं, तो इसका काफ़ी इंतज़ार रहेगा दोस्तों मेरे को पर्सनली भी। और आज़ादी की सेना का भी यहाँ पे हमको एक ऐड देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे ऐड्स हैं, आज़ादी की सेना, प्रकोष्ठ की कैदी, फ्रेंडी जीनियस, बोदी वाला थानेदार, विष हर्ता, कुत्तापंती, प्रेम ग्रंथ और सर्पयोग। और कुल मिला के 42 पेजेस की ये कहानी है दोस्तों यहाँ पे। और सेम पेपर क्वालिटी बड़े साइज़ में है, आप देख सकते हैं। ये पप्पू डोगा जो है प्रकोष्ठ के कैदी से कंपैरिजन में बड़े साइज़ में है। ये सर्पयज्ञ सर्पयुग सर्प सत्र वाला जो साइज़ है उस साइज़ में आपको देखने के लिए मिल रही है पप्पू डोगा। प्रकोष्ठ के कैदी अपने ओरिजिनल साइज़ में ही प्रिंट हुई है और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि सर्वनायक सरसर्वनायक विस्तार की जो पहले ये भी कॉमिक्स थी वो इसी साइज़ में थी, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा कंटिन्यूएशन है। कोई भी नॉवेल्टी हमें नहीं मिली है दोस्तों इन दोनों ही कॉमिक्सों के साथ, कोई स्टिकर नहीं है, कोई स्टैंड ही नहीं है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या कोई नॉवेल्टी बेसिक स्टिकर या कोई ट्रम्प कार्ड ही सही कुछ होना चाहिए था, आप अपनी राय हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों प्रकोष्ठ के कैदी क्योंकि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के साइड से भी प्रकाशित की जाएगी, तो एक कोशिश करेंगे उसके साथ भी हम उसका कंपैरिजन निकालने की कोशिश करें जो कि आने वाले वीडियोस में आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त कॉमिक्स बाज, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कॉमिक्स बाजी को चालू रखिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। शुक्रिया।